राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक गैंग वॉर एक बार फिर से देखने को मिला है और एक कुख्यात गैंगस्टर जिसके ऊपर करीब एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे उसकी बीच बाजार सरेरा चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी गई है। तो कौन था ये गैंगस्टर, उसे क्यों मारा गया, मारने वाले कौन थे, एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं ओटीटी इंडिया। तो राजस्थान के इस गैंग वॉर की चर्चा आपसे करें उससे पहले आपको थोड़ा सा उज्जैन के एक और गैंगस्टर के बारे में बताएंगे जिसका नाम था दुर्लभ कश्यप, जिसकी उम्र थी करीब 20 साल और 20 साल की उम्र में वो भी ठीक इसी तरह से मारा गया था। क्योंकि ये हत्या ठीक वैसे ही हुई है तो पहले हम दुर्लभ कश्यप की बात करेंगे। दुर्लभ कश्यप, तस्वीर देखिए आप इसकी ध्यान से। दुर्लभ कश्यप वो गैंगस्टर था जब ये 16 साल का था तो अपराध की दुनिया में आ गया और इसने आते ही सबसे पहले सोशल मीडिया का सहारा लिया। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करता है कि अगर किसी तरह का विवाद हो, कोई भी विवाद सुलझाना हो तो हमसे, हमारी गैंग से संपर्क कर सकता है। और धीरे धीरे वो पूरी एक लड़कों की फौज खड़ी कर लेता है। उसकी गैंग में करीब 100 से 150 लड़के होते हैं और ये गैंग उस समय उज्जैन में इतनी ज़्यादा दहशत फैला रही थी कि तत्कालीन जो वहाँ के SP थे सचिन अतुलकर, उन्हें एक्शन लेना पड़ा था और एक साथ सभी बदमाशों की गिरफ्तारी हुई थी। सभी बदमाश जेल में डाल दिए गए थे। लेकिन उसके महज 2 से 3 साल गुजरते गुजरते उस गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की 20 साल की उम्र में हत्या कर दी जाती है और वो ठीक वैसे ही मारा जाता है। आज के इस गैंग वॉर में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जिस गैंगस्टर की आज हत्या की गई है उसका नाम था गैंगस्टर रमेश महाकाल। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दुर्लभ कश्यप जय महाकाल बोला करता था और रमेश महाकाल भी अपने नाम के पीछे महाकाल लगाता था। लेकिन इन दोनों को महाकाल नहीं बचा पाए क्योंकि ये दोनों अपराध की दुनिया के कहीं ना कहीं मसीहा बनना चाहते थे, बादशाह बनना चाहते थे। रमेश महाकाल के बारे में कहा जाता है कि ये जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में रहता था, न्यू मुंबई योजना कॉलोनी में इसका घर था और ये कल रात कहीं निकल रहा था तभी अचानक इसकी किसी से बहस होती है और बहस होने के बाद सबसे पहले ये उस युवक को मारने की कोशिश करता है, उसको मारता है। मार खाने वाला युवक अपने साथियों को बुलाता है और उसके साथी आते हैं और वो इतने गुस्से में होते हैं कि अचानक इस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वॉर कर देते हैं। अपने आप को गिरता देख रमेश पाल उनसे समझौता करने की कोशिश करता है लेकिन विरोधी गैंग के बदमाश या फिर लड़के उस समय नहीं रुकते हैं और इसे इतने चाकू मारते हैं कि इसके शरीर से खून का एक एक कतरा निकल जाता है। इसकी लाश करीब 2 से 3 घंटे तक सड़क पर पड़ी रहती है। तभी वहां पर राहगीरों ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। पुलिस आई, CCTV फुटेज खंगाले गए तो निकल कर ये जानकारी सामने आई है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी भी ठीक वैसे ही हत्या की गई जैसे दुर्लभ कश्यप की हत्या की गई है। दुर्लभ कश्यप के बारे में हम थोड़ा और आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन इस वीडियो में नहीं, इस अगले वीडियो में बताएंगे। अगर दुर्लभ कश्यप के बारे में आपको जानना है तो अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। लेकिन इस रमेश महाकाल को लेकर ये कहा जा रहा है कि जाँच पड़ताल की जा रही है, CCTV फुटेज में उन सभी आरोपियों को पहचान करने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी भी सभी आरोपी फरार हैं। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके जाँच पड़ताल कर रही है। लाश को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि जो गैंगस्टर जिसकी हत्या हुई है रमेश महाकाल, वो जब उस इलाके में निकलता था अपने साथियों के साथ तो आसपास के लोग छिप जाया करते थे, कोई भी उससे बात करने की या फिर उसके सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं करता था। उसके खिलाफ करीब 12 से 13 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। तो मिला जुला कर देखा जाए अपराध की दुनिया का अंत कुछ ऐसा ही होता है। बेशक 10 से 20 गैंगस्टर साथी मिलकर इस तरह से हरकतों को अंजाम देते हैं लेकिन उनका जो अंत होता है ऐसे ही होता है। तो फिलहाल अभी जांच पड़ताल चल रही है, आगे की सभी जानकारियां जो है अपडेट होने के बाद ही आएंगी। तो फिलहाल इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा और अपराध की दुनिया की खबरें बताने का मकसद यही होता है कि कम से कम आप अगर शहरों में रह रहे हैं, महानगरों में रह रहे हैं तो आप उससे सचेत रह सकें। तो इस खबर पर भी अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ओटीटी इंडिया। कैमरामैन गौरव कैमरे के पीछे हैं और मैं देवनाथ पांडे।